महाराष्ट्र कर्नाटक सीमारेषेवर वाहन तपासणीच्या नावाखाली वाहन चालकांची राजरोसपणे लूट केली जात आहे. कागदपत्र तपासणीच्या नावाखाली 500 ते 1000 रुपये या वाहन धारकांकडून घेतले जात आहेत. हा सर्व प्रकार राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 62 वरील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्याच्या सीमारेषेवरील असलेल्या चेक पोस्ट वर होत आहे. पाहूया. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमारेषेवर असलेल्या चेकपोस्ट वर होतीये वाहन चालकांची आर्थिक लूट. वाहनांची सर्व कागदपत्र असताना देखील वाहन चालकांकडून घेतले जातात 500 ते 1000 रुपये. दिलेल्या रकमेची रीतसर पावती मागितली असता वाहन चालकांना केली जाते दमदाटी. वाहन चालकांसाठी कधी येणार अच्छे दिन. आरटीओ पैसे लुटण्यात आहे व्यस्त, मात्र वाहन चालक होत आहेत त्रस्त. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर वाहन तपासणी करता शासनाचे परिवहन कार्यालय असून येथे वाहनांची तपासणी केली जाते. वाहनांची सर्व कागदपत्र असताना देखील तपासणीच्या नावाखाली मात्र वाहन चालकांकडून 500 ते 1000 रुपये घेतले जातात. मॅडम 700 रुपये फोगट का? आरटीओ परमिशन नाही पैसे लाने. गाडी माल चेक करना, माल चेक कर लो, मिल्टी चेक करो, पूरा कागज चेक करो, फिर भी पैसा लेते. आप बोलते भी हो, पूछते भी हो किस चीज़ का पैसा? बोलना मैडम, ड्राइवर को कौन बोलने देगा? क्यों आप लोग नहीं बोल सकते? क्या बोलेंगे मैडम, बहुत लोग रहता है, आरटीओ एक दो थोड़ी रहता है. गाड़ी कितना पैसा लेते हैं? गाड़ी अगर अंडरलोड रहता है मैडम, ओवरलोड तो ले नहीं जाते यार. लिमिटेड कंपनी से भर के आते हैं, अंडरलोड ही माल देता है. तो कितने पैसे भरते हैं? 700 रुपये लेगा ये. अभी अगर ओवरलोड रहा तो? ओवरलोड मैडम फिर वो अलग पैसा. कागज़ देखते हैं गाड़ी का? कागज़ भी देखते हैं. कागज़ पूरा ओके होने के बाद? कागज़ ओके होने के बाद एंट्री लेता है. कागज़ ओके नहीं होगा तो फिर तो चलान होगा, ज़्यादा लेगा पैसा. और अगर पैसे दे दिए तभी भी कागज़ देखते? हाँ, कागज़ तो देखता है. फिटनेस सर्टिफिकेट सब पूरा परमिट. दिलेल्या रकमेची रीतसर पावती देण्याची मागणी वाहन चालकाने केली तर मात्र वाहन थांबवून ठेवली जातात आणि तेथील काही अज्ञात इसमांकडून दमदाटी देखील केली जाते. दादागिरी चलो. ये एरिया के कलेक्टर को नहीं दिखता क्या? ये जिले का कलेक्टर क्या कर रहा है? तो अभी इलेक्शन आ रहा है, पूछिएगा आप लोग. मैं इलेक्शन आ रहा पूछने की हमारे को जरूरत नहीं है. तो इलेक्शन आ रहा है, जब मजबूरी दिखाते, इलेक्शन होने के बाद डंडा हाथ में लेके बैठते, चार गुंडे लगाते, उन्होंने नरिया फोड़ को वहाँ हमारे दाल रोटी खाने वाले को मार देते. तो आपके मालिक लोग क्या करेंगे? दिल्ली में शेड अगर रहेगा तो दिल्ली से यहाँ आएगा क्या यहाँ? एक एक ये तो गलत है ना. ये किसकी गलती है? ये आरटीओ की गलती है. तो इस पे कंप्लेन होना चाहिए. आरटीओ जो है ना, दादागिरी करने को इधर गवर्नमेंट क्या आदमी है क्या? ड्राइवर को मारने आते हैं वहाँ के पब्लिक के गुंडे छोकरे लोग साथ में कैको रखते है साथ में. हम पूछने गए तो वो नहीं, उसको हकल देते. ऐसा आया ना राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इधर का भी तो इधर चालू करते, इधर के ड्राइवरों को उधर चालू करते. पर ये तो गलत है ना, आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए. क्या आवाज उठाना बोलो. कैसे फालतू का पैसा दे रहे हो ना आप लोग? किस चीज का पैसा दे रहे हो? 200 पैसा देने के बाद आपके गाड़ी के कागज भी नहीं चेक होते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देखते वो लोग. अब ये कुछ लोगों का कागज नहीं रहता ना, उसको झूले मिले रहेंगे. एक दो गाड़ी वाले का कागज पत्र तो ओके रहता है, उसको बोले तो कैसा भी आड़ा टेढ़ा घुमाते. और ऐसे जो 10-10, 20-20, 50-50 गाड़ी है ना, ये लोगों को जिले मिले रहते. ये आरटीओ मंत्री के साथ जुले मिले रहते. ये पैसा सब किधर जाता है? पूछने नहीं आता क्या मंत्री इनको? वाहन तपासणी कागज पत्रे कार्यालयात घेऊन जाताना शर्टाच्या खिशात ठेवली जातात. अँड्रॉइड मोबाईल पॅन्टच्या खिशामध्ये ठेवावा अशी सक्ती तेथील दलालांकडून करण्यात येते. बताइए, आप जो बॉर्डर पे यहाँ पे आए हैं, कितने रुपए दे के आए हैं ऑटो में?
हम लोग 460 रुपए दे के आया हूँ, बॉम्बे से भर के हैदराबाद जा रहा हूँ, और यहाँ पे 160 रुपए कांटे के लेते हैं और 300 रुपए फालतू जबरदस्ती लेते हैं दादागिरी। हम लोग का सरकार से यही मांग है हम लोग का न्याय मिले। कितने रुपए लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर पे? यहाँ पे 460 रुपए लेते हैं। 460 त्यामुळे वाहन चालकाला मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागते, तर वाहन चालकांसाठी अच्छे दिन कधी येणार असा थेट सवाल वाहन चालकांनी सरकारला विचारला आहे।